ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ओंकारेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे नया क्लास स्टेशन बनाने जा रहा है। पुराने स्टेशन से कुछ दूर बनाए जाने वाले रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता देते हैं कि पश्चिम रेलवे की रतलाम रेल मंडल के PRO जितेंद्र जैन ने बताया कि पर्यटकों के लिहाज से ओंकारेश्वर इससे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वर्तमान में जो ओंकारेश्वर स्टेशन है उसे खत्म कर दिया जाएगा। जमीनी सतह से ये स्टेशन करीब 2 मीटर ऊंचाई पर बनेगा। स्टेशन के लिए रेलवे ने जमीन अधिग्रहण की शुरुआत कर दी है। ये स्टेशन सनावत के मोरधड़ी गांव स्थित रेलवे फाटक से लगकर बनेगा। वर्तमान में जहां रेलवे फाटक है वहां अंडा पास बनाया जाएगा। इसके साथ ही मार्च 2020 तक सनावत खंडवा रेल लाइन की भी सवारी गाड़ी के लिए शुरू हो जाएगी। देखिए, जो हमारा वेस्टर्न रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं रतलाम डिवीजन के अगेंस्ट साथ में चल रहे हैं, जो गेज कन्वर्जन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का, तो पहले फेज़ में रतलाम से फतेहाबाद आया, फतेहाबाद से फिर सेकंड फेज़ में इंदौर तक पहुंचे और अब इंदौर से हम लोग मऊ तक पहुँच गए हैं और उस साइड में खंडवा से लेकर सनावत तक का काम फाइनल स्टेज पर है, तो काफ़ी काम हो चुका है। अब सनावत से लेके जो मऊ का जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर है वहाँ तक का जो गेज कन्वर्जन का काम है जब शुरू होगा, उसके बाद में जो स्टेशन है ओंकारेश्वर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का चल रहा है कि उस क्योंकि ज्योतिर्लिंग है, भारत की मानी हुई 12 ज्योतिर्लिंग में एक मानी हुई ज्योतिर्लिंग है, तो उसको बहुत अच्छा सा स्टेशन प्लानिंग कर रहे हैं बनाने का, तो वो चल रहा है उसके ऊपर।